बीआरएस कॉलेज में फिर से प्रारंभ होगी प्रवेश प्रक्रिया। पंजीयन नहीं कराने वाले छात्र भी पंजीयन कराकर ले सकेंगे प्रवेश। टीआरएस कॉलेज को अभी हाल ही में एक्सीलेंस का दर्जा मिला है, जिसके बाद छात्रों के प्रवेश के लिए 60% की बाध्यता निर्धारित की गई थी। कॉलेज में प्रवेश की तीनों चरण के साथ सीएलसी राउंड की लिस्ट घोषित होने के बाद भी कॉलेज में निर्धारित सीटों की अपेक्षा कम छात्रों का प्रवेश हुआ था, जिसके बाद छात्रों की मांग पर उच्च शिक्षा विभाग ने 60% की बाध्यता को खत्म कर दिया है। आगामी 20 अगस्त से एक बार फिर कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी, जिसमें अंकों की कोई बाध्यता नहीं होगी। कॉलेज में निर्धारित सीटों के भरे जाने तक छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा। साथ ही पंजीयन ना कराने वाले छात्र भी पंजीयन कराकर कॉलेज में प्रवेश ले पाएंगे। क्या प्रक्रिया है, कहाँ तक मामला पहुँचा, कब तक एडमिशन होंगे? कॉलेज में तीन चरण तो प्रवेश के हुए, फिर एक चरण सीएलसी हुआ जो 16 तारीख को समाप्त हो गया। 16 तारीख को ही फिर से सीएलसी शुरू करने का एक आदेश आ गया, जो 20 तारीख से फिर से शुरू होने जा रही है। इसमें जो छात्र पंजीयन नहीं कराए थे वो अपना नया पंजीयन भी करा सकते हैं और सीएलसी के माध्यम से प्रवेश भी ले सकते हैं। हमारे महाविद्यालय में भी लगभग सभी विषयों में बॉटनी जूलॉजी को छोड़ करके बाकी सभी में स्थान रिक्त है। तो ये 31 तारीख तक फिर से शासन ने प्रवेश देने के लिए सुविधा दी है छात्रों को। इसमें कोई मेरिट का क्राइटेरिया तो नहीं है? मेरिट किस तरीके के बच्चे एडमिशन ले सकते हैं? मेरिट का क्राइटेरिया इस कॉलेज के लिए था, एक्सीलेंस कॉलेज घोषित हुआ है। एक्सीलेंस कॉलेज घोषित होने की वजह से 60% तक मेरिट का एडमिशन होना था, लेकिन छात्र आंदोलन और अन्य कुछ वजहों से इस मेरिट को शिथिल कर दिया गया। तो आज की डेट में शासन की ओर से मेरिट का कोई प्रावधान नहीं है। जहाँ तक स्थान रिक्त है वहाँ तक मेरिट बना के प्रवेश किया जा सकता है। कॉलेज को एक्सीलेंस घोषित किया गया है और इस एक्सीलेंस घोषित होने के बाद आपको क्या लगता है कॉलेज को किस तरीके से फ़ायदा होगा? एक्सीलेंस घोषित होने से कॉलेज को कई तरीके के फायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा तो एक एकेडमिक स्टेटस जो होना चाहिए महाविद्यालय का, एक अच्छे महाविद्यालय का, उस एकेडमिक स्टेटस में तो निश्चित रूप से वृद्धि होगी। अब पहला के एकेडमिक स्टेटस लिया गया था कि 60% से बिलो छात्रों का प्रवेश ना किया जाए, लेकिन चूंकि पहला वर्ष था ये, अब प्रवेश के दौरान ये एक्सीलेंस कॉलेज घोषित हुआ, इसलिए शासन को ये मेरिट शिथिल करनी पड़ी। अन्य वर्षों में जब मेरिट और छात्रों का इस महाविद्यालय में प्रवेश होगा तो एक माने 100% पढ़ाई का अध्ययन अध्यापन का वातावरण निर्मित होगा इस महाविद्यालय में। यद्यपि वो वातावरण अभी भी है, पर जब मेरिटोरियस छात्रों के अलावा अन्य तरह के भी छात्र आ जाते हैं तो 20% ऐसे भी छात्र आते हैं जो अशांति, उपद्रव, जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मार पीट, गाली गलौज का भी वातावरण बनाते हैं यहाँ। वो चीज़ नहीं होगी एक्सीलेंस होने के बाद। दूसरा, एक्सीलेंस होने के बाद रिसर्च जो प्रोसेस है वो बहुत अधिक डेवलप्ड हो जाती है। तमाम तरह के प्रोजेक्ट्स कई विभागों से महाविद्यालयों को मिलने माने सरलता के साथ मिलने लगते हैं। प्रोजेक्ट के प्रपोजल गए, जैसे भी प्रोजेक्ट के प्रपोजल भेजे तो UGC तो कभी कभी ग्रांट करती है, कभी नहीं भी करती है, लेकिन बाकी अन्य विभाग जो है तो हमारे प्रपोजल को स्वीकार सहसा नहीं करते। बाकी अन्य विभागों से भी प्रोजेक्ट्स मिलने लगेंगे तो प्रोजेक्ट से एक बड़े फ़ायदे होते हैं एकेडमिक के स्टेटस में वृद्धि के लिए, वो चीज़ें आ जाएंगी। और बाकी अच्छे छात्र हमारे निकलने लगेंगे, परीक्षाओं में सरलता सुगमता हो जाएगी, परीक्षा परिणाम हमारे बढ़िया हो जाएंगे, ये एक स्टेटस बनेगा।